गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब दिखाते हैं आप लोग को बहुत से दृश्य नहीं चाह रहे, अभी बहुत से दृश्य नहीं चाह रहे, अभी दिखाते हैं आप लोग को। देखिए कितना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। धरती के गोद में ये छोटा सा गांव रिंगी गांव बसा हुआ है। एक सुंदर सा नज़ारा है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये बढ़ता है तपोवन से लगभग 3 किलोमीटर आगे भूषोदी रोड पे। यहाँ पे रहने की उचित व्यवस्था है, होम स्टे भी है यहाँ पे। 7-8 होम स्टे से ज़्यादा होम स्टे यहाँ रहने के लिए अच्छा खासा व्यवस्था है। और ये प्रकृति की गोद में कितना सा सुंदर सा गांव बसा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। ये देखिए सामने जो ये गांव है, ये है रिंगी गांव। यहाँ पे बहुत बढ़िया है, यहाँ पे रहने की खाने की व्यवस्था है। यहाँ पे नाइट होल्ड होम स्टे में रह सकते हो आप लोग यहाँ पे। ये ठीक पड़ेगा आपको, जोशीमठ से 18 किलोमीटर आगे पड़ेगा ये लगभग। और सामने है वो जोशीमठ है, जोशीमठ से बड़ ढाक दिख रहा है, उसके बाद बड़गांव है, और उससे थोड़े पीछे है, उसके पीछे हैं जस्ट जोशीमठ है। जोशीमठ से वहाँ से गाड़ी आती है नरक के लिए। अभी रोड में डामरीकरण का काम नहीं चला है, ये बहुत सारी रोड चल रहा है अभी। हल्का फुल्का डामरीकरण गांव से भविष्य चौधरी गांव के थोड़ा सा ऊपर से हो चुका है, अभी कुछ टाइम बाद हो जाएगा। ये देखिए आप लोग सुंदर सुंदर नज़ारा है, और चारों तरफ से पेड़ से घिरा हुआ। ये देखिए ऊपर के सिर पर पेड़ है अच्छे सारे। ऐसे थोड़ा ऊपर जाओगे जो सब यहाँ से ऊपर जाओगे थोड़ा और 2000 की पेड़ मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये बैंड तो सही नहीं काटेगा, ये बैंड बूंद नहीं सही नहीं कटा है। ये बैंड जैसे आप देख सकते हो कितना गंदा कर काट रहा है, बैंड लक्का बैंड ऐसा नहीं कटा जाता, थोड़ा तरीके से काटते तो अच्छा रहता है ये वाला, जैसे देख सकते हो आप।